गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो था ये बेसिक था जो आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो होता है वो बैटरीज होती हैं। बैटरीज के अंदर भी कैथोड एनोड होता है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या कुछ है, कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में क्या था, इनपुट जो था हमारा, इनपुट जो था वो केमिकल एनर्जी थी और जो आउटपुट था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। और ऐसी बैटरीज में होता है, बैटरीज में क्या होता है, इनपुट जो हो गया केमिकल एनर्जी, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब गैल्वेनिक सेल में भी रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, ऐसे ही बैटरीज के अंदर भी क्या होता है, बैटरीज के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये जो हो गया ये बेसिक हो गया, बैटरीज होती क्या है। अगर इसे हम मतलब एक लैंग्वेज के अंदर बोला जाए तो बेसिकली बैटरीज आर द गैल्वेनिक सेल विच यूज सॉलिड या फिर पेस्ट, विच यूज अ मिक्सचर ऑफ बेसिकली द सॉलिड या फिर पेस्ट टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, गैल्वेनिक सेल में हम लोग जिंक यूज कर रहे थे, जिंक की रोड, जिंक का सॉल्यूशन यूज कर रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही कॉपर यूज कर रहे थे, कॉपर का सॉल्यूशन यूज कर रहे थे। लेकिन यहां हम बैटरीज के अंदर क्या करते हैं, कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनका हम पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, वो हम यूज करते हैं, तो सॉलिड सब्सटेंस का पेस्ट बनाएंगे, वो हम यूज करेंगे और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हम लोग। तो ठीक है, अब इसके जो टाइप्स होते हैं बैटरीज के, बैटरीज के टाइप्स क्या होते हैं, सर इन लोगों को लिखवाना भी है क्या, यस सर, स्टूडेंट यू हैव टू कॉपी एवरीथिंग, मतलब मैं okay, इसके बाद करूंगा सर, जितना कराएंगे उसके बाद से। ओके सर, तो ये आप लोग हैं वो मैं लिखवाता हूँ, ये लिखा क्या हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। बैटरीज इनपुट केमिकल एनर्जी, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इतना आप लिखो और फिर उसके बाद जो डेफिनेशन है वो मैं लिखवाता हूँ आपको। कर लिया नोट डाउन आपने? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखो आप एक बार। बैटरीज, बैटरीज आर गैल्वेनिक सेल्स, बैटरीज आर गैल्वेनिक सेल्स that use solids slash
पेस्ट सॉलिड्स स्लैश पेस्ट्स एज रिएक्टेंट्स एज रिएक्टेंट्स to maximize the production of electrical energy. अब इसके नीचे लिखो types of batteries. तो जो बैटरी के होते हैं वो तीन टाइप की बैटरी होती है हमारे पास. कौन कौन से टाइप की होती है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, उनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली होती है प्राइमरी बैटरीज. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे होती है सेकेंडरी बैटरीज, और एक होता है हमारे पास फ्यूल सेल. ठीक है, तो इनका जो ओवरव्यू है वो मैं दे देता हूं आप लोगों को. सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, और फ्यूल सेल क्या होते हैं. फिर इनको आगे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्राइमरी बैटरीज जो होती है वो नॉट चार्जेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे जो क्लॉक होती है, जो दीवार पे घड़ी लगी हुई होती है, ठीक है, अगर हम उसके अंदर सेल डालते हैं और वो आप लोगों को पता होगा कि कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाता है. ठीक है, तो उसको चार्ज तो कर नहीं सकते हम. तो वो जो होता है एक एग्जाम्पल होता है प्राइमरी बैटरीज का. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो सेल के अंदर वो एक ही बार होती है, और इसकी जो लाइफ टाइम होती है मतलब कम ही होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी बैटरीज, क्योंकि उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरीज क्या हो गई, दीज आर रिचार्जेबल. ठीक है, तो इसका एग्जांपल तो हो गया ड्राई सेल जो हम घड़ियों में यूज करते हैं उसको ड्राई सेल बोलते हैं. ठीक है, और एक और होता है मरकरी सेल. ठीक है, और जो इसके अंदर होता है सेकेंडरी बैटरीज का जो एग्जांपल है, मोस्ट लाइक कॉमन एग्जांपल, जो हम इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि उसको रिचार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट को, करंट दे करके. ठीक है, तो ये जो हो गई ये रिचार्जेबल हो गई, तो इसका एग्जांपल जो है वो तो जो इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं वो तो है, लेकिन इसके भी आगे दो टाइप्स होते हैं. वो क्या क्या होते हैं, एक तो होता है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरीज. ये जो लेड स्टोरेज जो बैटरीज है वो हम इन्वर्टर में यूज करते हैं. ठीक है, और एक होता है कैडमियम निकल सेल. ठीक है, तो ये जो है ये इसके दो टाइप्स हैं. प्राइमरी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूल सेल को अभी हम पढ़ते हैं. ठीक है, इसके बैटरीज के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी बैटरीज सेकेंडरी बैटरीज. ठीक है, तो जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं उनको चार्ज नहीं किया जा सकता. एक बार अगर उनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, ठीक है, वो जब तक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तभी तक वो वर्क करेगा, वरना उसके बाद हम उससे चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है ड्राई सेल और मरकरी सेल. ठीक है, और जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, चार्जेबल होती हैं, और जो इसका यूज हो गया जैसे इन्वर्टर में हो गया. ठीक है, और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे वो है लेड स्टोरेज बैटरीज और कैडमियम निकल सेल. ठीक है,
तो ये तो हो गया प्राइमरी का और ये हो गया सेकेंडरी बैटरीज का। फ्यूल सेल में क्या होता है, फ्यूल सेल में बेसिकली क्या होता है, हम लोगों को ये चीज पता है कि जब हम कार्बन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर वाटर को या मीथेन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओ टू, ठीक है, तो उनका कंबस्टन होता है, कंबस्टन से हमारे पास एनर्जी निकलती है। ये जो कंबस्टन वाली जो प्रोसेसेस होती हैं ये एक्सोथर्मिक होती हैं और इनसे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्यूल सेल की जो डेफिनेशन हो जाएगी, ये कौन से सेल हैं, दीज आर द सेल्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द कंबस्टन रिएक्शंस ऑफ CO, H2O, CH4 etc, ठीक है। तो कंबस्टन रिएक्शंस भी जो होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, इन सब में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, प्राइमरी बैटरीज में भी, सेकेंडरी में भी और फ्यूल सेल्स में भी, ठीक है, तो तीनों में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है और उन्हीं से ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो और इसका मैं लिख देता हूँ एक बार, फ्यूल सेल क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम कंबशन रिएक्शंस ऑफ CO, H2O, CH4 etc, ठीक है। आप एक बार ये टाइप्स नोट डाउन कर लो, फिर जो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं लिखवाता हूँ, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ, बैटरीज के तीन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज और फ्यूल सेल, ठीक है। जो प्राइमरी बैटरीज है वो नोट चार्जेबल होती हैं और जो दो प्राइमरी बैटरीज के जो एग्जाम्पल है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ड्राई सेल और मर्करी सेल। सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं लेड स्टोरेज बैटरी और कैडमियम निकिल सेल, ठीक है। और फ्यूल सेल क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबशन रिएक्शन ऑफ CU, H2O और CH4 etc, तो उनसे जो हम हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और फ्यूल सेल का जो एग्जाम्पल है एक जो मोस्ट कॉमन है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, लिख देता हूं मैं इसका एग्जाम्पल। सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल मतलब सीधा वाटर ही क्या, ऑक्सीजन उसके अंदर भी रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उसके अंदर भी कैथोड और एनोड होता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन भी अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। सर फ्यूल सेल्स के एग्जांपल रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा, फ्यूल सेल का जो एक ही एग्जांपल है जो आप लोगों को पढ़ना है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन हाइफन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। सर जनरेटर में फ्यूल सेल यूज होता है? हाँ, जनरेटर में फ्यूल सेल यूज होता है? हाँ, उसके अंदर फ्यूल सेल ही होता है, बाकी मैं एक इसका एग्जांपल आपको कंफर्म करके बताऊंगा एक बार, आप इतने ये नोट डाउन करो।
कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हेडिंग डालो प्राइमरी बैटरीज। इसकी डेफिनेशन लिखो, दीज आर दोज बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज आर दोज बैटरीज in which redox reaction only once, those batteries in which redox reaction occur only once. And cell become dead after some time. And cell become dead after some time. ठीक है, ये तो हो गया इसका first point. जो second point है उसके अंदर लिखो, second point है These batteries cannot be charged again. इसके dry cell हो गया और mercury cell हो गया, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इसका एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल ड्राई सेल, वो पढ़ेंगे, ठीक है। ड्राई सेल, तो सबसे पहले हेडिंग डालो ड्राई सेल। इसका एक और भी नाम है ड्राई सेल को, हम लेकलेंचे सेल भी बोलते हैं, लेक लेंचे सेल, ठीक है। लेकलेंचे की स्पेलिंग है LACLANCHE सेल, ठीक है। ये ड्राई सेल वही है जो हम लोग दीवार पे जो घड़ी लगी हुई होती है उसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो उस सेल को आप लोगों ने देखा होगा, उसके एक तरफ तो कैप होती है और दूसरी तरफ कैप नहीं होती है, और अगर आप लोग उसे खोल के देखोगे तो उसके अंदर से एक ग्रेफाइट की जो छोटी सी रोड निकलेगी और उसके आसपास ब्लैक कलर का कार्बन निकलेगा और थोड़ा सा पेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो जो ये सब जो होती है, ये जो पेस्ट होता है, कार्बन होता है, इन सब से केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं, और जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो जिंक से बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन जिंक वाली जो कवरिंग होती है उसे भी कवर कर दिया जाता है ताकि जो सेल होता है उसे हम जो एटमॉस्फेयर में जो भी मतलब कंपाउंड्स हैं, गैसेस हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, उसका कोई भी इफेक्ट ना हो उसके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए उसे उससे कपबोर्ड से वो कर दिया, कार्डबोर्ड से वो कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ड्राई सेल होते क्या है, तो इसके अंदर भी कैथोड और एनोड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैथोड और एनोड पे अगर जो भी रिएक्शन है ना, वो आप लोगों ने याद कर ली और पेपर में लिख के आ गए ना पूरी, ठीक है। तो और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो है उसकी, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ड्राई सेल बेसिकली होते क्या है, ये टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, ठीक है, नॉट चार्जेबल,
नॉट चार्जेबल, ठीक है, और इसके अलावा कहां पे यूज होते हैं ये, ठीक है, क्लॉक में, ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल किसका टाइप है, प्राइमरी सेल का, प्राइमरी सेल में क्या होता है, एक ही बार रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही चलती रहती है, ठीक है, उसके बाद वो डेड हो जाता है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज होती है प्राइमरी सेल्स में, जो वोल्टेज होती है सेल की वो फिक्स रहती है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज होती है वो रेंज में होती है 1.25 से 1.5 वोल्ट के बीच में होती है इसकी वोल्टेज, ठीक है, वैसे जनरली जो हम कंसीडर करते हैं वो अराउंड, जो जनरली ऑब्जर्व की गई है वो अराउंड 1.5 के अराउंड होती है, ठीक है, तो ये नोट डाउन करो, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी, ये क्या क्या होता है उसके अंदर, सेल के अंदर, और इसके बाद कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही होती है वो लिखेंगे, ठीक है, तो लिखो ड्राई सेल लेक्लेंजे सेल, पॉइंट पॉइंट्स में ही लिख लेना, ठीक है, पॉइंट्स में याद करना इजी रहेगा, टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, सर, हाँ सर, वो जो रिस्ट वॉच में जो बटन टाइप सेल होता है लिथियम का, वो भी लेक्लेंज सेल ही होता है क्या? रिस्ट वॉच वाला जो सेल होता है वो आगे जो सेल आएगा ना वो यूज जो होता है वो होता है, ठीक है, उसके अंदर मर्करी सेल यूज होता है रिस्ट वॉच के अंदर। ओके सर, डन सर, ठीक है, अब हम लोग जो इसका जो सेल का जो अंदर का पार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर क्या क्या होती है, आउटर कवरिंग कैसे होती है, वो सब हम देखेंगे, और उन सब को देखने के बाद हम कैथोड और एनोड की इसकी रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है, तो देखो सेल जो होता है हमारे पास वो सिलेंड्रिकल होता है, ये मेटल की कैप होती है उसके ऊपर आप लोगों ने देखी होगी, नीचे कुछ नहीं होता है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है, ये वाली जो दोनों साइड है इधर और इधर की, ये कार्डबोर्ड से कवर कर देते हैं, कार्डबोर्ड से कवर्ड, ठीक है, और ये जो कंटेनर होता है वो होता है जिंक का कंटेनर होता है, जिंक का कंटेनर, और ये जो जिंक का कंटेनर होता है ये एनोड का काम करता है यहां पे, ठीक है, एनोड का। अब एक चीज देखो यहां पर, मतलब साथ साथ रिलेट करते रहोगे तो ज्यादा इजी रहेगा रिएक्शंस को याद करने का, दिख नहीं रहा, अच्छा ये, हाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, मेरे को ये जो कंटेनर होता है ये होता है जिंक का कंटेनर और ये एक्ट करता है एनोड। अब मैं आप लोगों को साथ साथ रिलेट कराना शुरू कर देता हूं, ठीक है, जिंक का कंटेनर है तो Zn होगा, आपने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था वहां पे भी Zn था, Zn एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो वहां पे Zn का जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा था, Zn से Zn2+ प्रोड्यूस हो रहा था, ऐसे यहां पे होगा Zn का कंटेनर है वो एनोड का काम कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे भी क्या रिएक्शन हो जाएगी एनोड पे, Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एनोड पे जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Zn जब Zn2+ में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ठीक है, इसके अलावा ये अभी मैंने लिखना मत, ठीक है, मैंने रिलेट कराया है ताकि आपको एनोड की जब रिएक्शन लिखवाऊंगा तो रिलेट कर पाओ आप, ठीक है, और इसके अंदर एक ग्रेफाइट की रोड होती है,
ग्रेफाइट की रोड, ठीक है, ये वाली जो रोड होती है ये एनोड कैथोड का काम करती है, कैथोड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज याद रखना, ये जो ग्रेफाइट की रोड होती है ये ऊपर वाली जो कैप होती है इसको टच कर रही होती है, लेकिन जो नीचे वाला बॉटम है जिंक का उसको कभी भी टच नहीं करेगी। देखो मैंने भी गैप रखा हुआ है कार्बन के मतलब ग्रेफाइट की रोड में और जिंक कंटेनर में, ठीक है। तो ये जो होगी ये आपस में टच नहीं करेंगे, ठीक है। इसके आसपास एक पोरस पेपर होता है, ठीक है। तो जिंक वाली साइड जो होती है यहां पर जो प्रेजेंट होता है एक पेस्ट प्रेजेंट होता है। बैटरी से हमने पढ़ा था ना जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो पेस्ट होते हैं, ठीक है। पेस्ट किस किस चीज का होता है, यहां पर पेस्ट ऑफ NH4Cl+ZnCl2, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का पेस्ट होता है यहां पर, NH4Cl का और ZnCl2 का, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कार्बन की ग्रेफाइट की जो रोड है, ग्रेफाइट की ये वाली, इसके आजू बाजू जो प्रेजेंट होता है मतलब यहां पर आजू बाजू जो प्रेजेंट होता है वो होता है पाउडर्ड फोम ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक। तो ये जो हो गया ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये वाला जो अपर कवरिंग होती है इसकी, इसको भी सील कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और जो नीचे वाली होती है, नीचे वाली ऐसी ही रहती है, ठीक है। अगर ये वाला जो होता है, क्योंकि हमें पता है कि जिंक का जो कंटेनर है वो एनोड का काम कर रहा है, तो ये वाला जो हो गया एनोड, एनोड पे गैल्वेनिक सेल में क्या चार्ज होता है, कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव होती है। सेल के ऊपर लिखा भी होता है ये नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव साइड है, एक वायर यहां से जोड़ो एक वायर यहां से जोड़ो, ठीक है। और यहां पे अगर हम बल्ब लगाते हैं तो वो जलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो हो गया ये इसका कंस्ट्रक्शन होगी, ये आप लोग लिखो अच्छे से एक बार, फिर जो एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लो जल्दी से। सर वो क्या लिखा है एक बार सब कुछ रिपीट कर दो ना। हाँ रिपीट कर देता हूँ, रुको मैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल जो कंटेनर होता है ये बाहर वाला, ये जिंक का बना होता है, ठीक है। जिंक के कंटेनर को जो हम है कार्डबोर्ड से कवर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जिंक का जो मतलब बाहर वाली जो रिएक्शन है मतलब एटमोस्फियर में, जस्ट टू लाइक सेव इट फ्रॉम एटमोस्फियर रिएक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो होता है हमारे पास जो जिंक का कंटेनर होता है वो एनोड का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ग्रेफाइट रोड होती है यहाँ पर सेंटर में होती है, सेंटर में ग्रेफाइट रोड होती है और वो करती है कैथोड का काम, ठीक है। उसके आजू बाजू जो जिंक के आजू बाजू है यहाँ पर एक पोरस पेपर होता है, और पोरस पेपर और जिंक के कंटेनर के बीच में जो हमारे पास प्रेजेंट होता है पेस्ट प्रेजेंट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। और जो हमारे पास कैथोड है मतलब कार्बन ग्रेफाइट रोड और पोरस पेपर के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब वो होता है पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक होता है, ठीक है। आप एक बार ये नोट डाउन लिखो क्या क्या होता है इसके अंदर, वो सब मैं आपको लिखवाता हूँ। ये जो होता है ये टाइटली पैक्ड होता है पेस्ट, और ये जो पाउडर्ड फॉर्म होती है ये टाइटली पैक्ड होती है उसके अंदर। सर हाँ बोलो।
सर राइट साइड में निकाल दीजिए ना एक बार, आपकी वॉइस ब्रेक कर दी गई, एक बार फिर से बोलो सर। राइट साइड में जो नीचे क्या लिखा है वो बता दीजिए ना। ये वाला ना? हाँ सर। मेरी राइट साइड तो यही हो गई ना। हाँ, कार्डबोर्ड लिखा हुआ है, कवर्ड विद कार्डबोर्ड। ठीक है, सर योर वॉइस इज लाइक वेरी लो। अच्छा सर, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है शायद, और बोर्ड प्रॉपर नहीं दिखा, तो आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके ठीक है सर, वो एनोड और कैथोड की जो रिएक्शंस है वो है बस इसके अंदर। यस यस ठीक है, कंटिन्यू कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, यू मे लीव नाउ। ओके, होप उतना डायग्राम बना लिया होगा सभी ने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कुछ reactions हैं, अब based on that हम वहां से continue करते हैं। Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Primary cells, first example of primary cell, there is a dry cell and inclined battery. You have already drawn the diagram. Now the reactions, anode per reaction, zinc will undergo oxidation change. एरिया में ये पता लग जाएगा which one is anode and which one is cathode. तो हमारे लिए reaction predict करना काफी easy होगा. Anode पर oxidation होगा, cathode पर reduction होगा. So anode, zinc undergoes oxidation change at cathode. Magnesium from plus 4 oxidation state to plus 3 oxidation state. इसका रिडक्शन होगा, MnO2 बनाएगा MnOOH. क्लियर, Mn यहां पर प्लस 3 में है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन चेंज। ये जो Zn2+ बना है, दैट Zn2+ एंड अमोनिया, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, एंड दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज हाईली स्टेबल। इज दैट ओके? सो एनोड कैथोड, ये रिएक्शंस हमें ध्यान रखना है, और यही रिएक्शन यदि बेसिक मीडियम में होगी तो कुछ रिएक्शन ये होगा। यदि हम यूज करेंगे NaOH-KOH, यूज इंस्टेड ऑफ एसिडिक सॉल्ट, दिस इज एसिडिक सॉल्ट NH4Cl, सो उसके जगह यदि हम बेसिक मीडियम यूज करेंगे तो फिर रिएक्शन में चेंजेस ये हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू राइट द रिएक्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर द रिएक्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन एनोड कैथोड का बहुत ज्यादा मैटर करता है, वही हमें ध्यान रखना है। Is that okay? यदि हम सेकंड सेल्स देखें, मर्क्यूरी सेल, एचजी सेल, सो अगेन यू जस्ट नीड टू मेमोराइज देयर एनोड कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, मतलब जितने पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं वो याद ही रखना है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड हेडिंग है, ड्राई बैटरीज, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स, जिसमें मेनली रिएक्शन हमें याद रखने होते हैं। क्लियर, कॉपी कर लो जल्दी से रिएक्शन दोनों के ही। ड्राई सेल्स प्राइमरी बैटरी का फर्स्ट केस, सेकंड केस एचजी सेल मर्क्यूरी सेल्स, और बैठकर एक लेक्चर के बाद यू हैव टू राइट ऑल दिस रिएक्शंस, मतलब याद करने होंगे
ऑल दिस रिएक्शंस आर गिवन इन एनसीईआरटी, इवन डायग्राम वगैरह भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो बहुत यूजफुल है मेंस एडवांस नीट हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रेम होते हैं फ्रीक्वेंटली यहां से, और हमें सिर्फ इसमें रिएक्शंस ही पता होनी चाहिए. एनोड किसका है, कैथोड किसका है, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स इट. सर ये कैथोड के रिएक्शंस ग्राफाइट पे होते हैं क्या? कैथोड के रिएक्शंस जो भी तुमने कैथोड ड्रॉ किया था उस पर होंगे. क्या ड्रॉ किया था कैथोड? ग्राफाइट रॉड. सर एचजी सेल का भी सेम डायग्राम बनता है? नहीं, डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होता है एनोड के तो, बट ठीक है, वो उतना अभी हमें डेप्थ में नहीं जाना है. ऐसा है. एक्चुअली वो हेडिंग में इतना टाइम हमें देना नहीं है, मतलब टोटल 30-40 मिनट्स इज मोर देन इनफ इन लेक्चर, क्योंकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा काम का है. तुम्हें मतलब बैठ के याद करना होंगे रिएक्शंस है मेनली इनमें. नथिंग मच टू एक्सप्लेन. वंस वी हैव डन विद वोल्टाइक सेल, तो उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं बचता है. कुछ टाइम पहले तक तो मैं क्लास में बोल देता था एनसीईआरटी अपने बुकलेट से कॉपी कर लेना, बट ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्लास में क्योंकि क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बन रहे हैं पिछले 5-6 ईयर्स में यहाँ से. सर वो वोल्टेज वगैरह क्या मैं जितना है सिर्फ सब कुछ और यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहने का ये रीजन होता है मेनली कि मैक्सिमम थिंग्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म जिनका एक्टिव मास वन होता है. एक्टिव मास चेंज होगा नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन में कुछ ज्यादा चेंजेस आएंगे नहीं. चले हम सेकेंडरी बैटरी पे कॉपी कर लिया है क्या? सर दो मिनट.
एक्सप्लेन करूं मैं सेकेंडरी सेल्स? यस सेकेंडरी सेल दैट मींस द रिएक्शंस कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन मींस दे आर रिचार्जेबल सेल क्लियर जो हमारे मोबाइल की बैटरीज होती हैं वो जैसे इसका एग्जांपल हो गए इन सेल्स को हम डिस्चार्ज करते हैं यूज करते हैं एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया फर्दर बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन प्रोसीड रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन क्लियर अब आते हैं हम इस पर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल्स दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी जो ऑटोमोबाइल्स में कार्स में बाइक्स में जो थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सेल है एनोड इज मेड अप ऑफ लेड कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड ऑक्साइड दोनों ही लेड के प्रोडक्ट लेड के सब्सटेंस है पहला पीबी जीरो दूसरा पीबी प्लस फोर एनोड पर पीबी जीरो ऑक्सीडाइज होगा पीबी प्लस टू में जाएगा कैथोड पे पीबी प्लस फोर रेड्यूस होगा पीबी प्लस टू में जाएगा सो फाइनल प्रोडक्ट विल रिमेन सेम प्लस टू पीबी का चलो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 कंसंट्रेटेड 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज टेकन पीबी एट एनोड कन्वर्ट्स इनटू पीबी2 प्लस एंड दिस पीबी2 प्लस रिएक्ट विद सल्फेट क्लियर जो H2SO4 का सल्फेट आयन है वो से रिएक्ट करेगा और PbSO4 बना देगा अब यदि हम नेट रिएक्शन लिखें इवन यू कैन रिमेंबर द नेट रिएक्शन ये थर्ड वाला रिएक्शन नेट रिएक्शन है बीच में चाहो तो एक लाइन ड्रॉ कर लेना जब तुम कॉपी करोगे दिस इज द नेट रिएक्शन Pb solid reacting with sulfate to give PbSO4 plus 2 electron. Most of PbSO4 precipitate sticks to the lead rod. Cathode per reaction PbO2 यहाँ पर lead plus 4 में है. It will gain electron और ये Pb2 plus बनाएगा. Clear? और ये जो Pb2 plus बनाए, you can see the second reaction ये वापस से sulfate से react करके PbSO4 बना देगा. So यहाँ पर दोनों का ही product PbSO4 आ रहा है. एनोड का भी कैथोड का भी नेट रिएक्शन यदि तुम देखोगे पीबी सॉलिड एट एनोड पीबी ओ2 एट कैथोड प्लस 2H2SO4 गिविंग 2 PbSO4 प्लस 2H2 दिस इज नेट रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन क्या रिएक्शन समझ में आ रहे हैं बहुत सिंपल सा रिएक्शन है तीन चीजें याद रखनी पीबी पीबीओ2 H2SO4 दैट्स इट फाइनल प्रोडक्ट दोनों का PbSO4 0 से प्लस 2 प्लस 4 से प्लस 2 क्या लेड स्टोरेज बैटरी क्लियर है सभी को यस सर कर लो जल्दी से कॉपी बहुत शॉर्ट में जैसा हमें लिखना चाहिए लेक्चर में उसी फॉर्म में लिखा हुआ है सेकेंडरी सेल फर्स्ट एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी
क्या कॉपी? So yes sir, वो anode और cathode दोनों में लिखा हुआ है PbSO4 stick to lead rod और cathode rod, तो सर वो lead rod anode होता है? Pb anode है ना, solid. तो सर वो PbSO4 दोनों मतलब अलग अलग rod पे stick करते हैं, मतलब दोनों पे स्टिक करते हैं क्योंकि दोनों के ही प्रोडक्ट है ना, यदि दोनों के प्रोडक्ट है तो दोनों पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड PbSO4 इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सेमी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. यस थोड़ा सा मैं माउस से लिख रहा हूं तो शायद राइटिंग अप डाउन होगी. ये तुम्हें लिखना है n फैक्टर फॉर H2SO4. ये जब पूरा कॉपी हो जाएगा उसके नीचे इतना लिख लेना. N फैक्टर क्या होता है वैसे मेडिकल बेंच? एनीवन, व्हाट इज N फैक्टर? क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मोल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज N फैक्टर. So, N factor for H2SO4 कोई बता सकता है क्या होगा? कितने moles overall total reaction में एक H2SO4 transfer कर पा रहा है? हाँ, medical batch से मैं answer expect कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ एक बार का है. कितना होगा H2SO4 का N factor? Four minus. गार्गी का मैसेज है 2, राशि का मैसेज है 2, बट इसका आंसर 2 नहीं है क्योंकि ये कंफ्यूजन हमें रहता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है. आंसर इज 1 फॉर दिस. एन फैक्टर फॉर H2SO4 इज 1. मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, पहले लिख लेना सब, पूरा कॉपी करने के बाद उतना. सर वो नीचे नोट भी लिखनी है क्या? नहीं, उतना काम का तो नहीं लिखा है. एन फैक्टर फॉर H2SO4 लिख लो इज 1. देखो कितने H2SO4 इन्वॉल्व हैं. चलो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे बताता हूं. मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटा दूं? यस सर. यदि हम रिएक्शन देखेंगे, फाइनल रिएक्शन इज Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 गिविंग ट्वाइस ऑफ PbSO4 प्लस वाटर. 0 प्लस 4 प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन इज 2. क्लियर? ये मैं डिफाइन करने वाला हूं बस नेक्स्ट उसमें कुछ लेक्चर्स में, क्योंकि इसका यूज है पूरा का पूरा आगे जाकर. सो लेड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेड 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. इस रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 H2SO4 इन्वॉल्व है. So 2H2SO4 can transfer 2 moles of electron,
one H2SO4 can transfer how many moles of electron? 1 mole. So n factor hota hai, 1 mole of the substance can transfer how many moles of electron? इसलिए इसका n factor 1 आता है. Generally in acid base reaction, H2SO4 can lose 2H plus ion. So इसका n factor होता है 2. 2H plus lose कर रहा है. Yeah? So इसका n factor 2 होता है. But ये एक exceptional case है. यहाँ पर H plus नहीं lose कर रहा है. But it involves in the reaction. ये बहुत डिटेल में एक चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पे आएगा. बट कुछ शॉर्ट में मैं यहां भी बताने वाला हूं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करने के पहले, नेक्स्ट सेटिंग स्टार्ट करने के पहले हमें जानना जरूरी है. ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ, जस्ट अभी ये भी नहीं लिखना है तुम्हें, जस्ट उतना आंसर लिखना था. So nickel cadmium battery, anode is made up of cadmium, cathode is made up of nickel oxide, both are solid, electrolyte ke which. ये तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है, फिर reactions तो अपने आप हो ही जाएगा. Yeah. KOH basic media में cadmium plus OH minus will give CDOH hole twice, oxidation हो गया 0 से plus 2, nickel plus 4 से plus 2 reduce हो गया है. Clear? NiO2 से NiOH hole twice पे चले गए हैं. So nickel का reduction हो गया है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो गया है, नेट रिएक्शन, ये रहा नेट रिएक्शन. इज दैट ओके? सो नथिंग मच टू एक्सप्लेन अगेन इन दिस. तुम्हें एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड रिएक्शंस ये याद रखने हैं. और इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाता है ना, व्हाट इज द प्रोडक्ट एट कैथोड, व्हाट इज द ओवरऑल प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछे, व्हाट इज एनोड फॉर दिस, इसमें नीट और जेई मेंस में स्पेशली. अच्छा, एमआर का जो बुकलेट डिस्कशन है, डाउट डिस्कशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व किया होगा ना, एमआर बेच, हैंड रेज करो, डाउट डिस्कशन करना है ना या नहीं किया है सॉल्व, हैंड रेज करो, जिन बच्चों ने कर लिया है, जितना होमवर्क दिया गया था. एमआर बेच, डाउट डिस्कशन करना है या नहीं करना है? मैं सोच रहा हूँ लास्ट के 10-15 मिनट सिर्फ तुम्हारे डाउट डिस्कस कर लूं, जेपीए को फिर बोल दूंगा लीव करने का, यदि तुम्हारे डाउट्स हो तो, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूंगा. नो डाउट्स फॉर एमआर बैच एनीवन? किसी ने भी सॉल्व नहीं किया? साक्षी, रोहन, राशि कुछ सॉल्व किया है? शुभम, सृष्टि, विवेक, पूरा सॉल्व किया था कि? चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर तक का वो टाइम देता हूँ, और तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा वो मुझे, किसने लास्ट टाइम पिक्चर सेंड किया था? गार्गी ने किया था? सेक्शन डी तक का तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सेक्शन ए बी सी डी. तो तुम डाउट्स के साथ रेडी रहना, उतना हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. जेपीए, तुम्हारे भी डाउट्स है? होमवर्क दिया था कुछ? डिस्कस हो गया था सर, कुछ भी पेंडिंग नहीं है डिस्कशन के लिए?
सर इन्वर्टर की बैटरीज में निकेल कैडमियम यूज होता है क्या? हाँ, उसमें जनरली निकेल कैडमियम बैटरीज होती हैं। हालांकि ये भी टेक्नोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, अलग-अलग इन्वर्टर में अलग-अलग होती है, तो मैं कुछ फिक्स नहीं बोल सकता, बट इस मैक्सिमम में निकेल कैडमियम होता है। फ्यूल सेल, H2O2 cell, first example of fuel cell जो NCERT में दे रखा है, but हमें दूसरे reaction भी rough idea होना चाहिए। बहुत simple सा होता है fuel cell, fuel को burn कर दो, combustion reaction, hydrogen का combustion reaction, overall reaction, anode पे H2 oxidize होगा, cathode पे ये reaction हो जाएगा, जो H plus बना है, वो O2 के presence में H2 बना देगा, net reaction will be H2 plus O2 giving twice of H2, clear? यहीं पे यदि हम सेकंड फ्यूल सेल का रिएक्शन देखेंगे, CH4O2 फ्यूल सेल, सो CH4O2 फ्यूल सेल में भी सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन वी गेट, CH4 विल अंडरगो कंबशन चेंज, O2 के साथ रिएक्ट किया, CO2 + H2 बन गया। सो नेट रिएक्शन तुम इजीली कंबशन रिएक्शन लिख सकते हो, बैलेंस रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग एनोड कैथोड का रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैथोड का रिएक्शन फिक्स है, और ये रिएक्शन भी वैसे बहुत जनरल रिएक्शन है जो हम देखने वाले हैं, H2O जिसमें बन रहा है ना, this is reverse of oxidation of H2O, और ये हमें well known reaction जो पता होना चाहिए, electrolysis में बस हम पढ़ेंगे इसे, क्या? CH4 की जगह तुम्हें C2H6 दिया होता, तो तुम उसका भी reaction predict कर सकते हो, nothing is special, just combustion reaction लिखना है। कितना clear है? सर हाँ, फ्यूल सेल पे कर सकते क्या सर? सॉरी, फ्यूल सेल में इथेनॉल यूज कर सकते क्या? हाँ हाँ, इथेनॉल कुछ भी यूज कर सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है। दो एग्जांपल फ्यूल सेल के कॉपी कर लो। सो बेसिकली सेकेंडरी बैटरीज में हमने तीन बैटरीज मेनली देखी हैं। फर्स्ट हमने देखा That is lead storage battery. Second हमने देखा nickel cadmium battery. Third fuel cell. हो गया कॉपी? यस सर। चलो, इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने का ऐसा बहुत कुछ नहीं है, first part voltaic cell that we have completed, clear? Second, well, first part is काफी बड़ा था, I think we had done with almost 6-7 lectures, उतना time लग भी जाता है, second third part में शायद उतना time नहीं लगेगा हमें, 40-45% first part होता है, electrolysis, quality quantitative. There are two parts or two different ways of study of this electrolysis process. First qualitative, second quantitative. Qualitative electrolysis में exactly हमें क्या करना होगा? We have to predict the reaction. तुम्हें बोल दिया गया, लेट्स हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप्स के आयन से एक्वस सॉल्यूशन से कुछ हैं, नाउ फोर सब्सटेंस कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज, सो पहले तो मैं ये प्रेडिक्ट करना होगा कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन से
देन विच रिएक्शन इज मोर प्रेफरेबल, कौन सा रिएक्शन प्रिफर्ड होगा ऑक्सीडेशन पर, एनोड पर, रिडक्शन पे कौन, कैथोड पे कौन कौन से रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है वो प्रेडिक्ट करना है, और उसमें से कौन सा प्रिफर्ड होगा. तो जब भी हमें सब्सटेंस दिए हो, सॉल्यूशन दिया हो, वी हैव टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव पार्ट. ठीक है, फिर क्वांटिटेटिव पे आएंगे. क्वांटिटेटिव में इफ वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 5 एम्पीयर फॉर 1 आवर फॉर दिस एफिशिएंसी, देन हाउ मच सब्सटेंस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज, कितना अमाउंट, कितना वेट, कितना मोल्स ऑक्सीडाइज होगा, कितना मोल्स रिड्यूस होगा, ये हमें प्रेडिक्ट करना होगा. सो क्वांटिटेटिव में बेसिकली कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना अमाउंट, क्वालिटेटिव में रिएक्शन प्रेडिक्शन वाला पार्ट. विदाउट प्रेडिक्टिंग द रिएक्शन वी कैन नॉट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस. जब तक मुझे ये नहीं पता होगा रिएक्शन हो क्या रहा है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट देयर अमाउंट, मैं क्या किसका अमाउंट निकालूंगा, कैलकुलेशन किस पे करूंगा. सो ये करने के लिए ये वाला पार्ट भी समझ में आना चाहिए, रिएक्शन पता होने चाहिए. नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये निकालने के लिए रिएक्शन पता ही हो, काफी बार रिएक्शन दे दिया जाता है, जस्ट एक हिंट दे दी जाती है, बट ये यदि हमें अच्छे से समझ में आएगा तो ये बहुत इजी लगेगा फिर थोड़ा सा समझने का और कुछ चीजें याद करने के लिए इसमें, क्योंकि रिएक्शन से जहां रिएक्शन आएंगे वहां पे हमें पता ही होना चाहिए. मेरे पास 4 रिएक्शन है जिस एनोड पर, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1 वोल्ट, दूसरे का ओपी है 2, तीसरे का है 3, चौथे का है 4 वोल्ट. कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा? 4 वाला. अब क्वेश्चन आता है 4 वाला ऑक्सीडाइज होगा तो हमें ओपी दिया होगा क्या एग्जाम में? ऐसा कुछ ओपी रहा जो बहुत जनरलाइजेशन में नहीं आता है तो दिया होगा, नहीं तो नहीं भी दिया होगा. तुम्हें याद रखना होगा, कितने याद रखने होंगे, जितने मैं क्लास में केसेस करा रहा हूं, जितने मैंने क्लास में केसेस करा दिए तुम्हें उतने याद रह गए, दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है, सो क्वालिटेटिव वाला पार्ट लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाने और उनको याद रखने का है. फिर ये वाला पार्ट वोल्टाइक सेल्स में भी मैक्सिमम चीजें वैसे तो मतलब ये था कि अंडरस्टैंडिंग थी, कैलकुलेशन था, यहाँ पे थोड़ा सा मेमोराइज भी करना होगा, फिर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस. First case, electrolysis of molten salt means we do not have any aqueous solution. हम सिर्फ molten salt का analysis देख रहे हैं. थोड़ा सा light दिखेगा तुम्हें, हो सकता है because I don't have black ink as of now. मैं आज office जाऊंगा तो लेकर आऊंगा फिर. So here is. मोल्टन सॉल्ट का हमें एनालिसिस देखना है जिसमें वो मेल्टेड फॉर्म में है. चलो, वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ केटायन, पहले मैं डेफिनेशन लिखाता हूं फिर उसमें जाता हूं. केटायन का एक डेफिनेशन होता है आयन विच मूव टुवर्ड्स कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस. केटायन वो आयन है जो कैथोड के तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में. एनोड पता है, कैथोड जो केटायन से, ये नाम ही ऐसे आया था सबसे पहले 16th, 17th, 18th century में. केटायन्स उन आयन्स को बोला जाता था जो कैथोड के तरफ मूव करें. तब तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तो डिस्कवरी भी नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की. सो मैं सिर्फ ये बोल दिया था कैथोड एक इलेक्ट्रोड है जिसपे जो भी मूव करेगा वो केटायन, एनोड एक इलेक्ट्रोड है जिसपे जो आयन्स मूव करेंगे वो एनायन्स. क्लियर? Cathode in the electrolysis process, anion, they always move so anion moves towards anode, cation moves towards cathode in electrolysis process. Kya clear hai itna? Yes, can you differentiate between these two color? कौन कौन से color है? Red, blue. मतलब red दिख रहा है तुम्हें या just? Can't access any other. दिख रहा है sir.
कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके. फर्स्ट एग्जांपल मोल्टन NaCl कॉमन सॉल्ट. सबसे पहले तो NaCl मोल्टन फॉर्म में मेल्टेड फॉर्म में डिसोसिएट होगा Na प्लस मेल्टेड फॉर्म Cl माइनस मेल्टेड फॉर्म कुछ ब्रेक हो जाएगा. अब आते हैं हम रिएक्शन पर. एट एनोड, एनोड पर कौन सा एन जाएगा Na प्लस या Cl माइनस? Cl माइनस. Cl माइनस को एनोड पे भेज दो मेल्टेड फॉर्म में. ऑक्सीडेशन चेंज टू Cl माइनस विल गिव Cl2. काफी हाई टेम्परेचर होगा Cl2 गैस के फॉर्म में चला जाएगा बाहर. प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कैथोड. व्हिच आयन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड? केटायन सोडियम बना देगा Na प्लस मेल्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड पर और सोडियम बन जाएगा. And if you want to write net reaction, net reaction over. NaCl will give Cl2 and Na. You can also write 2NaCl, you can also write Na plus Cl minus. Molten form में वो ions के form में ही exist करेगा. यहां पर using inert electrode, हमने inert electrode use किया है. Electrode itself cannot participate in the reaction. काफी बार ऐसा भी होगा हम कार्बन ग्रेफाइट इनका इलेक्ट्रोड यूज करेंगे एंड दे हैव टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस. वो खुद भी रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उनका.
Now the second example, electrolysis of L2O3 using graphite electrode. हमने active electrode use किया graphite. L2O3 in the molten state first dissociate. Now oxide has less tendency to undergo oxidation change than carbon. Carbon has more tendency to undergo oxidation change. तो बजाय ऑक्सीजन के कार्बन ऑक्सीडाइज होगा 0 से प्लस 2 या प्लस 4 दोनों प्रोडक्ट बनते हैं CO and CO2. C plus O giving CO2, C plus O can give CO. कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन चेंज. तो जहां पर एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गया वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है इफ इट इज मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन द रिस्पेक्टिव आयंस. यहां पे Fe+ रिड्यूस होगा. क्या इतना क्लियर है? दो केस देखे, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, ek case tum karna. Third case. If electrode is, nothing is given about the electrode, hum inert assume karte hain, especially diya hai kuch, toh phir active assume karna hai. Kuch matlab itna bhi de diya hai graphite, toh phir hume pata hona chahiye ki wo active hai. Electrolysis of molten sodium thiosulfate. इसका electrolysis लिखना, nothing is given means inert electrode. Sodium का तो reaction मैंने लिखा ही है पहले. इसके लिए मैं hint देता हूँ, ये plus 2 से ये बनाएगा S4O6 2-. तो anode पे reaction, cathode पे reaction खुद से लिख लेना इसका. लिख पाओगे? Na plus plus 1 से 0 पर, कैथोड पे एनोड पर ऑक्सीडेशन प्लस 2 से प्लस 2.5. S2O3 2- में प्लस 2 होगा, S4O6 2- में प्लस 2.5 होगा. क्या यहां तक क्लियर है सभी को? होमवर्क बता देता हूं मैं. फॉर इंजीनियरिंग बैच, मेडिकल बैच का तो मैंने बता ही दिया है, सेक्शन डी तक. तुम्हारा भी सेक्शन डी तक ही है. एक्सरसाइज 1. सब एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऑल 3 एक्सरसाइज ऑल 3 पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन डी. एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन डी. एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 10. अभी चलो मैं एक साथ बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं. ये है जेपीए के लिए और एमआर के लिए है एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी अप टू सेक्शन डी. इतना नेक्स्ट टाइम मैं डाउट डिस्कस करूंगा ना, ध्यान रखना.